हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीज वर्ल्ड। और मैं विनी। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो इस मेकअप लुक पे है। टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि मैं कौन से लुक के बारे में बात कर रही हूँ। और ये मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही ईजी वे में मैंने ये क्रिएट किया है। जस्ट काजल की हेल्प से हम ये आई लुक क्रिएट कर सकते हैं। सो या आप देखना चाहते हो कि लुक कैसे क्रिएट किया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे आई मेकअप, क्योंकि हमारा आई मेकअप काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और डार्क है, तो हमें आई मेकअप पहले करना चाहिए। कंसीलर लूँगी जो कि है ओलिविया का, शेड नंबर है 05 टच एंड ग्लो। ये आपको 120 रुपीज़ में इजीली मिल जाएगा मार्केट में, आपके लोकल मार्केट में, या फिर ऑनलाइन परचेस करोगे तो। और एक क्लीन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से वो कंसीलर को मैं ब्लेंड कर रही हूँ, और बहुत ही हल्के हाथ से ये कंसीलर ब्लेंड हो जाता है। हिलारी रोडा का पैलेट लूँगी, उसमें से ये जो दो कॉम्पैक्ट है उसमें से मैं मैट कॉम्पैक्ट है वो मैं यूज़ करूँगी। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी काजल जो कि है ब्लू हेवन की, उसको मैं मेरी अपर लैश लाइन के क्लोज क्लोज लगाऊँगी। ज़्यादा नीट एंड क्लीन होने की ज़रूरत नहीं है, हम अच्छे तरीके से नहीं लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम उसको ब्लेंड ही करने वाले हैं। एक फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से या फिर स्मचर ब्रश की हेल्प से, आपके पास कोई भी हो तो चलेगा, तो उसकी हेल्प से हमें हल्का हल्का स्मच करते जाना है और ऊपर की तरफ जाना है स्मच करते हुए। उसके बाद एसएफआई कलर का पैलेट लूँगी, और ये जो मैंने लाइट ब्राउन शेड दिखाया है उसको मैं मेरी क्रीज लाइन में लगाऊंगी और ब्लैक शेड के साथ मिक्स करूँगी, और ये एक ट्रांजिशन शेड भी हो जाएगा हमारा। और हमें हमेशा ब्लैक कलर को, जब हम स्मोकी आई बनाते हैं तो ब्लैक कलर को लाइट ब्राउन शेड की हेल्प से ही हमें स्मच करना होता है, मतलब ऊपर सारा कुछ ब्लेंड करना होता है हमारी क्रीज में, ताकि कुछ मतलब हार्श लाइन ना दिखे, अच्छे से ब्लेंड लगे। और उसके बाद मैं उसी पैलेट में से ब्लैक शेड ले रही हूँ और मेरी आईलेट पे लगाऊंगी, क्योंकि बहुत ही कम दिख रहा था, मुझे ज़्यादा डार्क चाहिए था इसीलिए। और सेम पैलेट में से मैं डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ और मेरी आईब्रोज को फिल करूँगी। उसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मेबलिन का मस्कारा जो कि है मेबलिन का द हाइपर कर्ल मस्कारा। काफ़ी प्यारा मस्कारा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसे मैं मेरी अपर और लोअर लैश लाइन में अच्छी तरीके से लगा लूँगी, 102 कोट लगाऊँगी, और मैं फॉल्सेस अप्लाई की है ऑफ कैमरा। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी ओलिविया का फाउंडेशन, उसको मैं मेरी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से लगा लूँगी अपने फेस पर और ब्लेंड कर लूँगी। बहुत ही प्यारा फाउंडेशन है, मैट फिनिश देता है और जस्ट 100 रुपीज़ का आता है। नेक्स्ट सेम पैलेट एसएफआर कलर का लूँगी, उसमें से ये दोनों शेड डार्क ब्राउन एंड ब्लैक शेड को मैं पिक करूँगी और मेरी लोअर लैश लाइन के क्लोज क्लोज लगा लूँगी, ताकि आई मेकअप हमारा बैलेंस लगे। सो इसी तरीके से आप देख सकते हो। नेक्स्ट हिलारी रोडा का मैं ब्लश लूँगी जो कि पैलेट में था, और बहुत ही हल्का लगाऊँगी, काफ़ी पिगमेंटेड है। दो लिपस्टिक यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, एक एकदम न्यूट कलर है जो कि फेयर स्किन टोन वाली लड़की में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, बट इसके अंदर मैं एक लिपस्टिक मिक्स करूँगी जो कि है ये वाला शेड, काफ़ी पसंद है अभी से मुझे, बट इसको मैं मेरे सेंटर लिप पे लगाऊंगी हल्का सा, और उसके बाद एक लिप ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो। और पहले वाली जो लिपस्टिक हमने लगाई थी न्यूट कलर था और पिंकी सा न्यूट कलर, उसको मैं मेरे सेंटर लिप पे लगाऊँगी तो हमारा लिप काफ़ी प्लम्पी और बड़ा सा दिखेगा, काफ़ी प्यारा लगता है। और नेक्स्ट सेम पैलेट में से मैं ये शेड पिक करूँगी, शिवरी शेड जो कि आई शेडो वाला है, बट उसे हम हाइलाइटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं मेरे चिकबोन को हाईलाइट करूँगी, मेरे इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करूँगी और मेरे ब्राउ बोन को हाईलाइट करूँगी। सो यप गाइज, ये है फाइनल लुक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।